जिला सोलन में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अधिकारियों की अंतिम पुनर्भास करवाई गई। जिला में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा लगभग 3000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जिला में 538 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। पुनर्भ्यास के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को VVPAT सहित चुनावों से संबंधित सभी बारीक जानकारियां देकर शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया निपटाने के आदेश दिए। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप नेगी ने बताया कि जिला में अंतिम दौर की रिहर्सल करवाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में 538 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और सभी बूथों पर 5-5 पोलिंग पार्टी के सदस्य तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिला में 10 महिला पोलिंग बूथ भी स्थापित किए गए हैं, साथ ही सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे पूरे सोलन जिले में जो है 538 बूथ है, 534 पुराने बूथ है, तो 4 ऑक्सिलरी स्टेशन बने हैं, तो टोटल 538 बूथ है। तो 538 बूथ में हर बूथ पे जो पोलिंग पार्टी जाएगी, तो एक पोलिंग पार्टी में 5 व्यक्ति होते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ जाएंगे प्रेसाइडिंग ऑफिसर, APRO और 3 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा पुलिस के जवान भी होंगे, कई जगह माइक्रो ऑब्जर्वर लगे होंगे और लगभग 130 पोलिंग बूथ में हमारे यहाँ पे जो है वेबकास्टिंग की फैसिलिटी होगी, जिसको जो है इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट मॉनिटर करेगा। इसके साथ साथ हमारे 10 पोलिंग बूथ जो है वुमेन पोलिंग बूथ है, पूरी जो जिले के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-2 वुमेन पोलिंग बूथ है।